हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपके लिए आज प्यारा सा बैच लॉन्च होने वाला है जिसमें हम बात करने वाले हैं बेटा कंप्लीट क्लास 10th की साइंस की। बेटा कंप्लीट वीडियो को डिटेल में देखेंगे, हर एक चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, प्रॉपर प्रैक्टिस टेस्ट हो गए, साथ साथ में आपके बहुत सारे टेस्ट भी हो गए, प्रैक्टिस सेट हो गए, पीपीटी हो गई, डीपीपी हो गई, सब कुछ बच्चा आपको समय समय से प्रदान करते रहेंगे। हमने जो बैच स्टार्ट किया है क्लास 10th हिंदी मीडियम के लिए पहले ही स्टार्ट कर दिया था, और आज जो हम लॉन्चिंग कर रहे हैं अपने बैच की वो कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए। बेटा प्रॉपर नोट्स बनवा दूंगा, एक पेड कोर्स के अंदर जितनी चीजें आपको मिलने वाली हैं बेटा यहां पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूं। बेटा पर्डे वीडियो आएंगे, पर्डे वीडियो को देख लिया करिए, रिवीजन फॉर्म में वीडियो को देखिए। जब आप यहां पे आइए तो क्लास लेने के पर्पज से आइए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट प्रॉपर क्लास मिलेगी बेटा, ढेर सारे एग्जाम्पलों के साथ, ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ, हर एक चीज को डिटेल में समझेंगे। कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा जो एनसीईआरटी पर हो हम छोड़ दें, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो हम छोड़ दें। हम डिटेल में चीजों को देखेंगे, बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बेटा। आ जाओ स्टार्ट करते हैं फिर आज के इस लेक्चर को, और बेटा हम बात करने वाले हैं आज पहले चैप्टर की। बेटा ध्यान से देखो आज मैं क्या बात करने वाला हूं, आज मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बेटा किसकी स्टार्टिंग करने वाला हूं मैं आज, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की स्टार्टिंग करने वाला हूं। और आज बेटा ये लेक्चर नंबर पहला है, आज बेटा ये लेक्चर नंबर पहला है जिसमें हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन की। सर इंट्रोडक्शन क्यों देखेंगे सर, हम इंट्रोडक्शन तो इंपॉर्टेंट नहीं होता है सर। बेटा देखो ध्यान से समझो, चीजें इंटरकनेक्टेड हैं बेटा। आज मैं इंट्रोडक्शन के दौरान तुमको कनेक्ट करूंगा चैप्टर के साथ बेटा, आज मैं तुम्हारी दोस्ती कराऊंगा, आज मैं तुम्हारी फ्रेंडशिप कराऊंगा बेटा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के साथ, जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर पहला हो जाता है, आपके बोर्ड का चैप्टर नंबर पहला हो जाता है, क्वेश्चन यहां से आते ही आते हैं, सबको पता है। बेटा दोस्ती करनी है तो आज का लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। मैं आपको रिलेट करूंगा कि क्लास 9th में आपने क्या पढ़ा, क्लास 10th में आप क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, आ जाओ स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, और देखते हैं बेटा इस चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आ जाओ देखते हैं बेटा, जब मैं इस चैप्टर की बात करता हूं तो बेटा इस चैप्टर में जो भी हमें पढ़ना है वो केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है, यानी इस पूरे चैप्टर के दौरान तुम जो पढ़ोगे वो केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ोगे, यानी तुम केमिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हो। अभी तक क्लास 9 तक हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। हमने क्या पढ़ा अभी तक थोड़ा सा उसको देखो, फिर मैं कैसे कनेक्ट करता हूं इस चैप्टर को। बेटा इस चैप्टर की स्टार्टिंग जहां से होती है वहीं से तुमने क्लास 9th की एंडिंग की थी चैप्टर नंबर पहले की। देखना बेटा तुम कहां से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो और कहां तक तुम पढ़े थे, उसी के आगे तुम कैसे कनेक्ट होगे इस चीज के बारे में बेटा पता चलेगा जब मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूंगा। आ जाओ देखते हैं बेटा क्लास 9th में आपने क्या पढ़ा। क्लास 9th में सर हमने पढ़ा था पहले नंबर चैप्टर में मैटर के बारे में। बेटा तुमने मैटर के बारे में क्या पढ़ा। सर हमने मैटर के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। तो बेटा तुम मैटर के बारे में एक चीज पढ़े क्या कि मैटर कैसे चेंज होते हैं। जो भी तुमने पढ़ा वो फिजिकल चेंजेस थे, वो भौतिक चेंजेस थे, फिजिकल। बेटा कैसे, आ जाओ समझते हैं बेटा। देखो ध्यान से देखना, क्लास 9th की जब मैं बात करता हूं तो क्लास 9th में मैंने क्या सीखा कि कैसे, ध्यान से देखना बेटा, कि कैसे जो सॉलिड है वो लिक्विड में बदल जाता है। मैंने उस दौरान क्या सीखा कि कैसे ये जो लिक्विड है ये गैस में चेंज हो जाता है।
मैंने सर और बहुत सारी चीज़ें सीखी, मैंने सीखी थी सर कि कैसे गैस फिर से लिक्विड में चेंज होता है, कैसे ये लिक्विड फिर से गैस में चेंज होता है, और सब्लिमेशन भी तो सीखा था जहाँ पर सॉलिड डायरेक्ट किस में चेंज होता था, गैस में चेंज होता था। बेटा इतनी सारी चीज़ें, बेटा इतनी सारी बातें आपने क्लास 9th में पढ़ी थी, और ये सब फिजिकल चेंजेस थे। आपने क्लास 9th में फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा, क्लास 10th ये सब 9th का टॉपिक था। अब आप आ चुके हैं क्लास 10th में बेटा, और क्लास 10th में ऐसा कुछ नहीं है बेटा। क्लास 10th में तुम केमिकल चेंजेस की बात करने वाले हो, क्लास 10th में बेटा तुम केमिकल चेंजेस की बात करोगे। बेटा किसकी बात करोगे? केमिकल चेंजेस की बात करोगे। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं बेटा, वो मैं समझाता हूँ, डिटेल में समझाता हूँ। पहले ये बताओ, क्या फिजिकल चेंजेस तुम्हें याद हैं कि इसको क्या बोलते थे हम लोग? इसको क्या बोलते थे बेटा? इसको हम लोग मेल्टिंग बोलते थे। बेटा इसको क्या बोलते थे? इसको हम लोग बॉइलिंग बोलते थे। इसको हम लोग बोलते थे कंडेंसेशन। इसको हम लोग बोलते थे फ्रीजिंग। और इसको हम लोग बोलते थे सब्लिमेशन। सर ये बातें तो हमने 9th में पढ़ ली थी और हमें अभी भी याद भी हैं। बेटा याद भी होना चाहिए हमें। चैप्टर नंबर 10th में, मतलब सॉरी, हमें क्लास 10th में चैप्टर नंबर पहले में केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ना है, केमिकल चेंजेस की स्टडी करनी है। बेटा ध्यान से समझो केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे घर में फूड वगैरह पड़ा होता है, कोई फ्रूट्स पड़े हैं मान लो भी, तो फ्रूट्स बेटा सड़ गए, तो क्या बताओ कि फ्रूट्स का सड़ना फिजिकल चेंजेस है क्या? बेटा फिजिकल चेंजेस तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ में वो केमिकल चेंजेस है। फिजिकल चेंजेस में तुम जा भी सकते थे बेटा और तुम आ भी सकते थे, केमिकल में तो ऐसा नहीं होता। एक बार अगर तुम्हारा फ्रूट सड़ गया तो बेटा उसको फ्रूट कैसे बनाओगे दोबारा सा? अगर खाना खराब हो गया तो फिर से खाना बना लोगे उसी से तुम? अरे बेटा नहीं बना पाओगे, एक बार खराब तो खराब, क्योंकि क्या हो गया, केमिकल चेंजेस हो गया, और केमिकल चेंजेस वन टाइम होता है, एक बार हो गया बेटा तो हो गया, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उसी के बारे में तो बेटा तुम्हें पढ़ना है, यहां पर उन्हीं चीजों के बारे में पढ़ना है, और यहीं से तुम्हारी अभिक्रियाएं यानी यहीं से तुम्हारी रिएक्शन से स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे जैसे बेटा, जैसे तुमने कार्बन लिया, ध्यान से समझना तुम चीजों को, जैसे बेटा तुमने कार्बन लिया और ऑक्सीजन के साथ मिला दिया, जैसे तुमने बेटा ऑक्सीजन के साथ मिलाया तो बेटा बना क्या, CO2, ये प्रोडक्ट है बेटा, और इसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। बेटा बचपन में पढ़ा था कि इसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं और इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। बेटा ध्यान से देखो, बेटा ध्यान से देखो, जब हम केमिकल चेंजेस की बात करते हैं तो रिएक्टेंट से जब हम प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो ये प्रोडक्ट बेटा हमें नए दिखते हैं। कि क्यों नया दिखेगा बेटा, जरा ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर कहीं कार्बन डाइऑक्साइड था क्या? नहीं था, यहाँ पर दो अलग अलग चीजें थी, एक कार्बन था एक ऑक्सीजन था, लेकिन बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कुछ नया बन गया बेटा, यहाँ पर कुछ नया बन के आ गया। तो हमेशा जब केमिकल चेंजेस होंगे तो क्या बनेगा, कुछ नया बनेगा बेटा, क्या बनेगा, कुछ नया बनेगा। लेकिन फिजिकल चेंजेस में ऐसा नहीं होता था। सर क्यों नहीं होता था, समझा दीजिए, आ जाओ समझा देते हैं। बेटा फिजिकल चेंजेस में तुमने देखा, तुमने सॉलिड को लिया, तुमने सॉलिड को लिक्विड में बदल दिया, किसमें बदल दिया, लिक्विड में बदल दिया। एक बात बताओ छोटू, एक बात समझो कि क्या सॉलिड बर्फ था क्या, क्या यह सॉलिड आइस था क्या, हाँ, क्या यह लिक्विड वाटर है क्या, हाँ, बेटा अंतर क्या है ये बताओ, बर्फ और पानी में अंतर है, आइस और वाटर में अंतर है क्या? नहीं सर, इसमें तो कोई अंतर नहीं होता बेटा, लेकिन यहां पर डिफरेंट है, यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये एकदम से नया है। अब तुम इस कार्बन डाइऑक्साइड से यहां पर जाने की कोशिश मत करो, नहीं जा पाओगे बेटा। समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में आया, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है कि यहां पर नए प्रोडक्ट बनते हैं, यहां पर नए प्रोडक्ट नहीं बनते हैं बेटा। यहां पर हम लोग चीजें रिवर्सिबल कर सकते हैं, यहां पर मतलब सॉलिड से मैं लिक्विड में जा सकता हूं और लिक्विड से मैं सॉलिड में आ सकता हूं, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। एक बार प्रोडक्ट बन गया तो बन गया बेटा। तो आ जाओ इन पॉइंट को लिखते हैं बेटा। ये पहला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, व्हाट इज केमिकल चेंजेस,
ये मैंने लिख दिया कि व्हाट इज केमिकल चेंजेस, इस चीज को आ जाओ अपनी अपनी नोट्स में लिख लो। बेटा प्रॉपर नोट्स मैं यहाँ पे बनवाने वाला हूँ, यहीं से नोट्स आप बनाएं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। सारी चीजें तो मैं आपको लिखवा देने वाला हूँ और यहीं पर सारी चीजें मैं आपको लिखवा देने वाला हूँ। मेरी बात ध्यान से समझना, मैं बात कर रहा हूं केमिकल चेंजेस की, मैं बात कर रहा हूं बेटा रासायनिक परिवर्तन की। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो हिंदी माध्यम के मतलब यूपी बोर्ड के इंग्लिश मीडियम वाले होंगे और कुछ बच्चे प्योर सीबीएसई वाले होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के लिए बैच है बेटा, सिलेबस सेम है, एनसीईआरटी है, ठीक है। इसलिए बीच बीच में हिंदी बताता रहूंगा ताकि उनको भी प्रॉब्लम ना हो। बेटा ध्यान से समझना, बेटा यहां पर लिखा हुआ है केमिकल चेंजेस, बेटा क्या लिखा हुआ है केमिकल चेंजेस। बेटा जब भी केमिकल चेंजेस होंगे तो क्या बनेगा, कुछ नया बनेगा बेटा, नए मटेरियल्स बनेंगे। कौन से मटेरियल से, पुराने मटेरियल से, पुराने मटेरियल से कुछ नए मटेरियल बनेंगे और ये नए मटेरियल बेटा डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज को रखेंगे, डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज को रखेंगे। सर कैसे, आ जाओ देखते हैं। बेटा मैं एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने क्या ले लिया, मैंने कार्बन ले लिया, मैंने ऑक्सीजन ले लिया, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। जरा ध्यान से देखो, जरा गौर फरमाओ कि यहां पर कार्बन अलग है क्या बेटा, यहां पर कार्बन एकदम से अलग है। जरा ध्यान से देखो चीजों को तो समझ में आएंगी, यहां पर कार्बन एक अलग चीज है, यहां पर ऑक्सीजन एक अलग चीज है। जो बेटा प्रोडक्ट बन रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज एकदम से कार्बन और ऑक्सीजन से अलग है, यानी एक नया मैटर बना। जरा ध्यान से देखो, ये कार्बन 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 का मतलब होता है कोयला, तुमने देखा होगा बेटा। तो ये जो कार्बन है हमने बेटा सॉलिड फॉर्म में लिया, ऑक्सीजन को हमने गैस फॉर्म में लिया, बेटा जो बना वो गैसियस फॉर्म में बना, एकदम से प्रॉपर्टीज अलग, एकदम से फिजिकल स्टेट अलग। तो यही होता है बेटा किस में, यही होता है केमिकल चेंजेस में, केमिकल चेंजेस में यही चीजें होती हैं। तो बेटा अगर कोई डिफिनेशन पूछे तो क्या बताओगे, डिफिनेशन में हमें बताना है कि जब हम कोई मटेरियल लेते हैं बेटा और उसमें रासायनिक चेंजेस कर देते हैं तो हमें कुछ नए मटेरियल्स मिलते हैं विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ मिलते हैं बेटा। ये हो गई आपकी डिफिनेशन बेटा, और ये एग्जाम्पल हो गया। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा और आगे बढ़ के मैं क्या बताने वाला हूं, मैं बताने वाला हूं डिफरेंट बिटवीन फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से ये पहला क्वेश्चन बोर्ड बनाता है आपका और यहां से क्वेश्चन आ चुके हैं, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। बेटा मैं डिफरेंट बता रहा हूं फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। सर फिजिकल तो हमने क्लास 9th में पढ़ लिया था, और बेटा क्लास 10th में तुम पढ़ोगे क्या केमिकल चेंजेस के बारे में। दोनों की एनसीईआरटी क्या कह रहा है, दोनों की जरा कंपेयर कर लो, जरा थोड़ा सा डिफरेंट जान लो कि इन दोनों के बारे में अंतर क्या है, डिफरेंट क्या है। पता चला 9th वाला मेथड लेके चल रहे हो अभी तक, बेटा नहीं है, रात दिन का अंतर है यहां पर। कैसे अंतर है, आ जाओ देखते हैं, आ जाओ समझते हैं चीजों को, तभी समझ में आएंगी चीजें। आ जाओ देखते हैं, ध्यान से देखें, अच्छी तरीके से चीजों को देखेंगे। बेटा जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो बेटा टेंपरेरी होते हैं, मतलब मैं कह सकता हूं कि कुछ समय के लिए होते हैं। हो सकता है कि अभी मैंने क्या किया है, हो सकता है कि अभी मैंने सॉलिड से लिक्विड बना दिया है। बेटा क्या बना दिया है, सॉलिड से लिक्विड बना दिया है। अब हो सकता है कि इस लिक्विड को अगर मैं हीट दे दूं, इस लिक्विड को मैं क्या कर दूं, अगर मैं इसको हीट दे दूं तो बेटा हीट देने पर ये गैस में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है। तो बेटा ये टेम्परेरी हैं, ये बदलते रहते हैं। इस गैस को अगर मैं कूल कर दूंगा, बेटा इस गैस को मैं क्या दे दूं, इस गैस को अगर मैं कूलिंग दे दूं, अगर इस गैस को मैं कूलिंग दे दूं तो बेटा फिर से क्या बदल जाएगा, लिक्विड में। लिक्विड को मैं अगर फ्रीजिंग दे दूं तो बेटा फिर से किस में बदल जाएगा, सॉलिड में। मतलब ये घूम रहे हैं आपस में, ये सर्कुलेट हो रहे हैं, इसीलिए हम कहेंगे कि बेटा ये चेंजेस कैसे रहते हैं, ये बेटा बेटा टेम्परेरी चेंजेस हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ये टिके रहे एक समय तक, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं बेटा। समझ में आया क्या, लेकिन यहां पर क्या होता है बेटा, ये स्टेबल होता है, ये परमानेंट होता है, स्टेबिलिटी को पाता है बेटा। कैसे, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया, फिर मैं रिपीट करता हूं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को ले लो तो बनेगा क्या बेटा, CO2 बनेगा, और एक बार कार्बन डाइऑक्साइड बन गया तो बेटा ये परमानेंट बना। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड से दोबारा कार्बन तो नहीं बन सकता। समझ में आया क्या, हां सर समझ में आया, हाँ सर समझ में आया, ये चीजें समझ में आ गई, पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब मैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ूंगा और नेक्स्ट पॉइंट हम समझने वाले हैं बहुत ही प्यार से, अच्छे तरीके से बेटा, ध्यान से समझो, आ जाओ चलो।
चलो चलो आ जाओ, सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? सर सेकंड पॉइंट में खुद से पढ़ लूं क्या? नहीं बेटा, मैं समझाता हूं तो समझ आ जाओ। इन फिजिकल चेंजेस के दौरान कोई भी नया सबस्टेंस नहीं बनता है, यानी कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता। मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल में बताया कि बेटा अगर तुम आइस ले लोगे और अगर तुमने आइस को क्या दिया, मेल्ट कर दिया, तो बेटा क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा बेटा। और ये वाटर ही आइस है, आइस ही वाटर है, कुछ नया नहीं बना बेटा, कुछ नया नहीं बना। लेकिन यहां पर अगर तुम कार्बन ले रहे हो, अगर तुम ऑक्सीजन ले रहे हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कुछ नया बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो बेटा ये क्या है? ये बेटा प्रोडक्ट है। क्या है? प्रोडक्ट है। और ये बेटा कुछ नया बना है, नया बना है। तो जब भी केमिकल चेंजेस होते हैं तो तुम्हें नए सबस्टेंस देखने के लिए मिलेंगे, नए सबस्टेंस फॉर्म्ड होते हैं। लेकिन यहां पर कोई भी नया सबस्टेंस फॉर्म नहीं होता है, मतलब कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। यह दूसरा डिफरेंट हो गया फिजिकल के बीच में और केमिकल के बीच में। अगले की बात करते हैं। आ जाओ बेटा, अगला देखते हैं, अगला कौन सा चेंजेस है इसके बारे में बात करते हैं बेटा। अगला चेंजेस क्या बता रहा है बेटा? अगला चेंजेस बहुत कुछ बता रहा है, जरा ध्यान से समझना, तब समझ में चीजें आएंगी। फिजिकल चेंजेस में लिखा हुआ है कि जब भी ये चेंजेस होंगे तो ये किसको इफेक्ट करेगा? बेटा ये इफेक्ट करता है ओनली फिजिकल स्टेट को, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज को, जैसे शेप और साइज को। लेकिन जब भी केमिकल चेंजेस होंगे तब बेटा ये इफेक्ट करेगा फिजिकल को, साथ ही साथ में केमिकल को और उनकी सारी प्रॉपर्टीज को, इंक्लूडिंग इट्स कंपोजिशन। बेटा सब कुछ बदल जाएगा, यहां पर बहुत कुछ बदल रहा है, यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहां पर ओनली लिखा हुआ है ओनली फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल रही हैं, जैसे शेप और साइज। और यहां पर पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज बदल जा रही हैं, जैसे जब कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो एकदम से अलग चीज है कार्बन डाइऑक्साइड, एकदम नई प्रॉपर्टीज के साथ बेटा आ रहा है। समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में आया। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, आ जाओ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो कि शायद लास्ट भी होने वाली है या हो सकता है इससे आगे भी हो। ठीक है बेटा, आ जाओ बात करते हैं। हाँ ठीक। जब हम फिजिकल चेंजेस की बात करते हैं तो फिजिकल चेंजेस में डू नॉट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, मतलब जब भी फिजिकल चेंजेस होंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, कभी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। लेकिन बेटा यहां पर एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। आगे तुम एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में भी पढ़ोगे, वहां पर तुम्हें ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। बेटा एक चीज याद रखना, ये एनर्जी वाला पॉइंट हो गया, इधर एनर्जी यानी फिजिकल चेंजेस में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, केमिकल चेंजेस में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्या इतनी बातें क्लियर हैं क्या? हाँ सर क्लियर हैं। बेटा एक एक पॉइंट और इधर ऐड कर देना। इसी तरह से फिजिकल चेंजेस में इवोल्यूशन ऑफ गैसेस नहीं होता, मतलब गैस नहीं बनती, यहां पर नई गैस नहीं बन जाती बेटा। लेकिन केमिकल चेंजेस पर इवोल्यूशन ऑफ गैसेस होता है। सर कैसे? जैसे तुम्हारा खाना सड़ जाता है तो खाने से क्या आती है? एक तरीके की बदबू आती है, एक तरीके की गैस निकलने लगती है बेटा। तो वो गैस जो निकल रही कहां से आ गई? पहले तो नहीं थी। तो बेटा वहां पर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, इसीलिए इवोल्यूशन ऑफ गैसेस हो रहा है। केमिकल चेंजेस हो रहे हैं इसीलिए इवोल्यूशन ऑफ गैसेस हो रहा है। बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, आ जाओ नेक्स्ट की बात करते हैं। आ जाओ देखो, अब यहां पर यह भी समझ में आएगा बेटा, फिजिकल चेंजेस जितने भी होंगे उनको तुम बहुत ही अच्छी तरीके से रिवर्सिबल कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो चीजों को, कोई दिक्कत नहीं। सॉलिड से लिक्विड बना दो, देखो सॉलिड से क्या बना दो, सॉलिड से लिक्विड बना दो, लिक्विड से सॉलिड बना दो, कोई दिक्कत नहीं है यार, कुछ दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो। लेकिन बेटा ये इनरिवर्सिबल होते हैं, जैसे कार्बन से ऑक्सीजन से तुमने बना दिया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक बार बेटा तुमने कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया तो अब दोबारा रिटर्न होना,
अब दोबारा इस कार्बन डाइऑक्साइड से फिर से इन्हीं चीजों को बनाना ये इम्पॉसिबल टाइप की चीज हो जाएगी, यानी ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है या इनरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्या इतनी बातें समझ में आई? हाँ सर, इतनी बातें समझ में आई और बढ़िया तरीके से समझ में आई। तो बेटा अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर, जहां पर हम बात करेंगे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। हम केमिकल रिएक्शंस को लिखना सीखेंगे, हाउ टू राइट केमिकल रिएक्शन, कैसे लिखी जाती है केमिकल रिएक्शन, क्या क्या बातों का ध्यान देते हैं, क्या रूल्स होते हैं लिखने के लिए, बेटा सब कुछ हम देखेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो पर। आप हमसे जुड़ जाएं, चीज़ों को लगातार देखते रहें, लेक्चर्स को समझते रहें, नोट्स बनाते रहें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें। बेटा हमारा प्रॉमिस है कि आपको कहीं पर कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी, सब कुछ हम कवर करेंगे और डिटेल में कवर करेंगे। लेक्चर जैसे ही अपलोड होता है यूट्यूब में, तुरंत उसको देखें और रिवीजन फॉर्म में बेटा देख लें। आप कोचिंग कर रहे होंगे, आप कुछ कर रहे होंगे, बेटा यहां पर जब आप आ रहे हैं तो एक पेड कोर्स पढ़ रहे हैं। पेड कोर्स अगर होता तो कुछ चीजें मैं और ऐड कर देता, ये एक पेड कोर्स होता। ठीक है बेटा, हर एक वो चीज़ जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मैंने सारी चीज़ें इस कोर्स में ऐड कर रखी हैं। आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि इस कोर्स का इंपॉर्टेंस क्या था। आई होप यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।